बेटा नवा बाग नॉलेज मेला लगी हुई है, चंदन चरखा ककन हिरोला चा में लगी है रेशम की जोर। मैं जा रही हूँ नगर मोहब्बा, हुक्म चढ़ा कर मैं सोना को मेला में लाऊंगा। अरे भैया क्या व्यवस्था है सारे छौना में? सारे छौना अपने के कथी चाहिए, क्या बेच रहे हो? महीनवारी का सामान। महीनवारी का सामान क्या होता है? महीनवारी के सामान ये सब है, नाक में के, थोर में के, लोल में के, लिपस्टिक है, सिंदूर है, उसके बाद पायल है, कड़ा है, छाड़ा है, झुमका है, सब चीज है। ठीक है भैया, ले लेंगे। जिस दिन मेरी महारानी मेरी गोद में आ जाएगी, जिस दिन मेरे पलंग की रानी बनेगी, वो सारा सामान लेकर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा महारानी के श्रृंगार। अभी तक ब्याह नहीं भेला। मैं ब्याह ब्याह की तलाश में हूँ, जिस दिन हो जाएगा उस दिन तुम्हारे सारा सामान लेकर जाऊंगा। तब एक बसिया घर में जाए छी धा दिया कचहरी एगो कहीं की आई है, ब्याह नहीं भेला है, पसंद हो तो तक कॉली है। अरे मैं हर लड़की से विवाह नहीं। भैया तू क्या करता है? जी मालिक। क्या बेच रहे हो? साल बेच रहे हैं हम। साल बेच रहे हैं? जिस दिन मेरी प्यारी आएगी ये साल उनके शरीर पर छजेगा, मैं इस साल को ले जाऊंगा, तब तक तो अपना दुकान में रखना। आई थिंक ला तो कुम्हारा था। नहीं कुम्हारा नहीं, मैं विवाहित हुआ है, सात दुरागमन नहीं हुआ है, समझा? अच्छा तो दोनों करा लिया। तुम उठेगी? बड़ी कटीली नचनिया लागत है। तुम लोग क्या बेचती हो? हम महाराज। क्या बेच रही हो? मैं बेच रहा हूँ चूड़ी। कैसा चूड़ी है? देखो कंगन से जयपुरी सब चूड़ी है। कितने दाम का है? आ? ये चूड़ी कितने दाम का है? सिर्फ 5,000। मैं तुम्हें 6,000 दूंगा। जैसे सूरत की नैना वाली वैसी शकल की यह चूड़ी उनकी हाथों में सजेगी,
जिस दिन मेरी महारानी बनेगी उस दिन मैं ये चूड़ी महारानी के लिए ले जाऊंगा, समझ गई? ठीक है महाराज। जी महाराज। तू क्या बेचती है? मैं सिंदूर बेचती हूँ। सिंदूर? हाँ सिंदूर। हाँ महाराज। सिंदूर जगा कर रखना चौकिया चुकाकर। तुम क्या बेच रही है? जी महाराज। तुम क्या बेचती है? हम बेच रहे हैं ऐना। ऐना? हाँ ऐना रखना, इसलिए जब मेरी प्यारी ऐना वाली जब सिंगार करेगी तो तुम्हारी ऐना से सिंगार करेगी। मर रहे ये आगा मिस्टर बंठा डॉन, ये है बंठा डॉन ज्ञान राघोपुर, उनके तरफ से शानदारी 20 रुपए का पुरस्कार है। और यह है संजय दीवाना, यह है संजय दीवाना, उनके तरफ से भी 20 रुपए का पुरस्कार है। और शर्मन जी के तरफ से भी 20 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। धन्य हमारे संजय जी जो इस और हमारे परम प्रिय पंथा डॉन जी, मैं उन्हें क्या दू लेकिन मैं उसके पुत्र को, हे माता सरस्वती तुम तो विद्या की भंडार देने वाली है और हे माता लक्ष्मी तुम तो धन की भंडार देने वाली है।
तुम शर्माओ मत, राजा हो रंग जोगी हो फकीर, इस गबरार आप मेला में आता है तो कोई भी राजा हो तो गहकी बन के आता है। तुम शर्माओ मत, क्या बेच रही है? एक रुपया में भर रहे हम, 2 रुपया देवो, सुनो में भर रहा है उनके, फिर भी कोचिंग होगा कि 1 रुपया में भर रहा है तो वो क्या चीज बेच रही है। तुम कह रहा है मैं 2 रुपया दूंगा, ये कह रहा है मैं 10 रुपया देगा। सुनो, 1 रुपया में भर रहा है, तुमने कही है 1 रुपया में भर रहा, ये हरमजादे तोड़ कर आया है कि 2 रुपया में हम भर रहा है, क्या चीज बेच रही हो तुम 1 रुपया में भर रहा है? समझ गया तुम शर्मा रही है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ये रूम बनाया हुआ है। जितना यात्री लोग आते हैं रात में विश्राम करते हैं, 1 रुपया देकर हर रात उस रूम में आराम करता है, सुबह चल जाता है। एक काहे शर्माती है, ये सब दिन चिपरी ठोकर बेची है ना, इसी तरह शर्मा रही है। चलो कोई बात, गरीबी बहुत सी मजबूरी हाल होती है। ठीक है, तुम लोग सामान बेचो, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। महाराज मैं तो बैलून बेच रही हूँ। क्या कही? बैलून बैलून बैलून, ये रहने दो, मैं अपने बेटे राम दल और हाथी दल को लिए और बेटी सुगा पंखड़ी के लिए ले जाऊंगा। ठीक है, तुम लोग अपना अपना सामान रखो, बेचो, मैं थोड़ी देर में आऊंगा, तुम लोग को सामान लेकर जाऊंगा। माँ दुर्गा वादा बनाई मैया के बेटा चाला शिव के पचन के करी मैया थाम लूंगा, कोई दिन उठा लूंगा।